कृष्णा जैसे इस रेस्टोरेंट में आते हैं तो हमको लगता है कि हमारा घर का खाना है, घर की याद आती है। सबसे बड़ी बात ये पानी पूरी बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, कुछ हटके कोई चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पानी पूरी तो बहुत सरस है, पण પછી આ ભાખરી, પછી મગની દાળ ને એમાં રસ, બાપુ જલસો પડી ગયો। बहुत बढ़िया थाली था। अगर आप दुबई में ऐसा गुजराती खाना मिल रहा है तो मतलब उससे ज़्यादा कुछ ये नहीं है। वेलकम बैक टू राजमा व्लॉग्स। हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल? सो हम लोग वापस आए कुछ मस्त ग्रैंड लेके, ग्रैंड मतलब ग्रैंड एक्सपीरियंस के साथ, ग्रैंड फीस्ट के साथ। यस और ये स्पेशली हमारे जो वेजिटेरियन फ्रेंड्स एंड वेजिटेरियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल फूड व्लॉग है ये, बिकॉज वी हैव कम टू राजमहल, राज का राजमहल, राजमा राजमहल में आया है। कैसा है? अच्छा है, मस्त, फुल ग्रैंड थाली के साथ। सो हम लोग आए हैं राजमहल रेस्टोरेंट विच इज़ लोकेटेड इन दुबई and it is a pure vegetarian restaurant with is mixed of I think Rajasthani and Marwari, that is Rajasthani and Gujarati, ya Marwari matlab same hi hua, same yeah। So Rajasthani and Gujarati kind of mixed thali yahan pe available hai aur yahan pe Jain thali bhi available hai aur ye sab ke alawa tumko parking bhi available hai। यस क्योंकि बरदुबई में आपको पता ही है पार्किंग करना इज़ सो डिफ़िकल्ट, यहाँ पे इजीली पार्किंग आपको मिलता नहीं है, बट दे हैव अ डेडिकेटेड बेसमेंट पार्किंग फॉर द पीपल हु कम टू दिस रेस्टोरेंट। तो पार्किंग का टेंशन तो आप छोड़ ही दो। तो एनीवेज अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अंदर जाते हैं, क्या है थाली में देखते हैं और अंदर क्या क्या और है वो भी देखते हैं और खाना कैसा है वो भी हम आपको बताएँगे। चलो मीडियम पानी सो टू स्टार्ट विथ मैं पानी पूरी यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। दे ऑल्सो हैव दही पूरी एंड शेव पूरी, बट मेरा फेवरेट है पानी पूरी, तो मैं पानी पूरी के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। उमा ने खाया था पानी पूरी और मैं, मेरा फेवरेट दही पूरी। जी मैम, वेलकम जी। ओके ओके, क्या है जी ये? पाकीजा, पाकीजा। बर्फी टोकरा। ओके। पकोड़ा, पकोड़ा चाट। कौन सी सब्जी है ये? मोगर, मोगर पालक लसुन, मूंग मूंग दाल है, पालक है, ये बटाटा। पनीर मेथी की दाल। ये क्या है? मेथी मेथी की दाल। ओके, गुजराती दाल, गुजराती कढ़ी, राजस्थानी दाल, राजस्थानी कढ़ी। वाह, मैंगो चिकन, गार्लिक चटनी, ग्रीन चिली। क्या है जी? ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स, पूरन पोली। माना है कि आज हमारी फास्टिंग है, बट राजेश तूने ऐसी जगह पर लेकर आया है कि इतना वेराइटीज़ ऑफ खाना, माय गॉड, एंड दैट टू आफ्टर लॉन्ग टाइम। हम इतना ग्रैंड थाली खाने जा रहे हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई। First, I'll start with the welcome drink, which is a roux afza, I believe. My God, so refreshing. Start कहाँ से करूँ? पहले ढोकला के साथ starter मैं start करना चाहती हूँ, and this ढोकला is very soft. It's nice, and this one is another starter. अंदर इसका स्टफ जो है वो मसालेदार भी है एंड थोड़ा सा स्वीट भी है। Even the chutneys are so tasty. The green chutney is so fresh. This is a pakoda chaat, right? Very different chaat. मैंने पहले कभी पकोड़ा चाट नहीं खाया है, so for me it was very different, but it is very yummy. Unlike the normal chaat जो हम खाते हैं, उससे एकदम ही अलग है। This one is my favorite. This papad, I just really want to have. ऐसी चाट मसाले का जो फ्लेवर है ना, बहुत ही बढ़िया है ये पापड़ में। पुमा, तूने मिस किया, इसको क्या बोलना है? इससे बोलते हैं पाकीज़ा। एंड ये तूने बोला था ना बेस्ट है करके, एक मिनट। चटनी के साथ। एक स्वीट एंड स्पाइसी का टेस्ट। यस, और वो चटनी के साथ जाएगा तो और मज़ा आ रहा है खाने के लिए। तो फर्स्ट मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मेरा फेवरेट अगेन पूरी, और पूरी के साथ आम रस। आम का टाइम है अभी। ओह, बहुत ठंडा है। अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। ऑफ कोर्स। माय गॉड यार, ये तो बनता है। इतना मीठा वाला आम का रस जो रहेगा ना, वो समझ में आता है पीने के बाद, इतना मीठा है। टू गुड। आई एम ट्राइंग दिस विथ मेथी विथ बेसन। घी की रोटी, उसके ऊपर मेथी, थोड़ा खट्टापन दे रहा है, बट अच्छा टेस्ट है। दोनों मिक्स करके आना, बहुत अच्छा टेस्ट है, इजीली मेल्ट होके जा रहे हो। नाउ ट्राइंग विथ पनीर। ओह, पनीर इतना सॉफ्ट है, देखो इतना सॉफ्ट पनीर है। हाथ लगाते टूट रहा है। दिस इज अ कॉमन डिश जो हम लोग नॉर्मली सारे रेस्टोरेंट पे खाए। दिस इज समथिंग न्यू आई एम हैविंग फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस वन इज द मेथी एंड बेसन का एक सब्जी है। नेक्स्ट आई वांट टू ट्राई विद दिस मूंग। अगेन मस्त देसी घी का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर और वो रोटी के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऑसम मस्त घी वाला रोटी या चपाती, इसमें आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो देसी स्टाइल में खाना चाहूँगी मैं। एक पीस ऑफ अनियन एंड थोड़ा सा मिर्ची and in that I want to put little bit of this papad. Very yummy, very desi, and this papad, you know, this chur papad is basically very famous among Rajasthani people. क्योंकि मुझे ना ये खाकर मेरी एक स्कूल फ्रेंड का याद आ गया। During my school days, one of my Rajasthani friend used to get this kind of papad. And I used to love this papad. So मेरे प्लेट पे एक गुजरात भी है, एक राजस्थान भी है। So basically this one is Gujarati dal and Gujarati what is it? Kadi. And this one is Rajasthani dal and Rajasthani kadi. So the difference is I know absolutely even before trying क्योंकि गुजराती दाल जो है वो थोड़ा सा मीठा होगा for sure. Absolutely. इसमें थोड़ा मीठास है, whereas राजस्थानी दाल will be little bit spicier version. Yeah, very nice. I love Rajasthani dal and this dal with jeera rice. और इसके साथ ये मिर्ची. My God, it's amazing. बहुत ही मस्त कड़ी है। इट्स वेरी नाइस, सच अ यम्मी कड़ी। सो इसके साथ आपको जीरा राइस भी मिलेगा एंड देन यू विल गेट अ प्लेन राइस ऑल्सो एंड यू हैव दिस दाल खिचड़ी विच इज़ अ वेरी प्लेन दाल खिचड़ी विथ नाइस घी ऑन इट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट डिश व्हेन इट कम्स टू थाली। ओ माय गॉड, और थोड़ा सा जो लवंग का फ्लेवर ये दाल खिचड़ी में, दैट गिव्स अ वेरी नाइस पंच टू दिस डिश। सी आई कैन सी दिस खड़ा यू नो मसाला, दिस सिनेमन स्टिक एंड लवंग, इसका जो फ्लेवर है ना ये दाल खिचड़ी में बहुत अच्छा आता है। सो आज इनके इधर स्वीट में पुरनपोली मराठी स्टाइल आमची मुंबई, और ये ट्राई कर रहा है स्वीट का उस्ताद राजेश। अगेन मस्त घी और गुड़ का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा है और थोड़ा कड़क है। It's different than the normal one जो अपना जो बॉम्बे में मिलता है। Yes, है ना? But it's nice. और एक छोटा वर्जन, मिनी वर्जन। It's very nice. या इतने बड़े थाली के साथ छोटा वर्जन स्वीट ही चलेगा राजेश। सवाल। This is dry fruit हलवा। उमा को dry fruit पसंद है, मेरे को हलवा पसंद है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। Oh my God. ये स्वीट उमा को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं है, ठीक है, और सारा वो ड्राई फ्रूट का मिक्स करके अच्छा एक अपना शीरा जैसे खाएगा ना वैसे एक फीलिंग आ रहा है। बहुत अच्छा है, बट ज़्यादा मीठा नहीं है, तो उमा को शायद पसंद आएगा ये। कैसा था खाना इनका? बहुत अच्छा है। क्या अच्छा लगा आपको? एकदम पूरी थाली अच्छी है। पूरी थाली? एक तो कौन सा रहेगा अच्छा? आम रस। बस मेरे को भी आम रस बहुत अच्छा लगा। यहाँ दुबई में गुजरात की याद आ गई, एकदम बढ़िया है आम रस। मुझे भी आम रस बहुत पसंद आया। सब अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा तो इसका बेस्ट फूड और उसकी सर्विस बेस्ट। पानी पूरी बहुत अच्छी लगी भैया, बहुत बढ़िया। यही चाहिए था, कुछ हटके कोई चाहिए। बहुत बढ़िया मतलब, थैंक यू। पानी पूरी तो बहुत सरस है, पर પછી આ ભાખરી, હા પછી મગની દાળ ને એમાં રસ, બાપુ જલસો પડી ગયો। વાહ। પછી सब्जी अच्छी लगी, पोटैटो। कौन सी? पोटैटो की सब्जी। पोटैटो की सब्जी। एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज फाइन। बेस्ट बढ़िया। आई जे खिचड़ी ने मगनी दाल मस्त, मजा आ गई आज। खिचड़ी और पानी पूरी। और आपको आपका तो पूरा थाली खत्म हो गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया थाली था। अगर आप दुबई में ऐसा गुजराती खाना मिल रहा है तो मतलब उससे ज़्यादा कुछ ये नहीं है, और इतना अच्छा टेस्ट हो। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको पसंद ना आए। अगर आप गुजरात से प्रॉपर गुजराती खाना आपको पसंद है, मतलब ये थाली में कैसी कुछ भी चीज़ नहीं है कि आप ना खाओ, शायद आपका पेट मना कर देगा थाली नहीं। माशाल्लाह। सर जय श्री कृष्णा। जैसे इस रेस्टोरेंट में आते तो हमको लगता है कि हमारा घर का खाना है, घर की याद आती है, सबसे बड़ी बात ये। वो सही बोला। और दूसरा एक ऑप्शन है कि अलग एडवांटेज है, जहाँ पर पानी पूरी है, तो ये एक रेस्टोरेंट का एक सबसे बेस्ट पॉइंट है कि पानी पूरी। अरे सब रेस्टोरेंट पानी पूरी नहीं मिलता है, सब लोग खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना तैयार होता है, खा के निकल जाते हैं, लेकिन कोई कोई रेस्टोरेंट का आपका स्पेशल है पानी पूरी, और फिर बाद में अंदर आए तो उनको लगता है कि हम घर में बैठे। हाँ, कुल्फी तो फेमस है, लेकिन नो डाउट, लेकिन यहाँ बैठते लगता है कि हम घर पे ही बैठे। ये एक फील बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। और टेस्ट है सब में, खाने में एज ए होम टेस्ट, मैं तो ये बोलूँ। और सर्विस सबसे बेस्ट है, नो डाउट। आओ खाने खाने तो सिर्फ राजमहल में ही आना, दुबई में। बहुत बढ़िया खाना है यहाँ का, और सबसे अच्छी पानी पूरी भी। थैंक यू। And Uma, here comes a robot to serve. Oh my God! Hi, robot. I'm on my way. Thank you. So first time I saw a robot serving an ice cream for me. My goodness! Thank you. पहली बार with robot. Nice. Thank you. It's not leaving because you robot wants you to take that other one probably. I knew that. Hello, your stuff is here. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Kulfi, to end with? Yeah. Very nice. तो कैसा था उमा थाली? ग्रैंड फीस थाली बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार। हमने बहुत सारे थालियाँ ट्राई किया है, बट दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट थाली वी हैव एवर हैड। वो भी छोड़ने नहीं हो रहा है। वेरी नाइस थाली। फर्स्ट टाइम वो रोबोट का भी देखा जिसने आके खाना सर्व किया, खाना मतलब अपना आइसक्रीम कुल्फी सर्व किया, विच वॉज रियली नाइस टू सी। एंड खाना ओवरऑल इट वॉज रियली नाइस। थाली है तो भी ईच एंड एवरी डिश वॉज रियली गुड। We would definitely again, you know, highly recommend you to come and try this. और आपने वैसे भी देखा ही होगा, पहली बार हमने लोगों से भी फीडबैक लिया, क्या क्या उनको पसंद आया, सबका रिव्यू उन्होंने ऑनेस्टली बताया, तो हम लोग सोचा आपसे भी शेयर करें। Yeah, and it seems there are many tourist people, especially जो गुजरातीज एंड राजस्थानीज या नॉर्थ इंडियंस हैं, जिनको नॉर्थ इंडियन खाना पसंद है, वो यहाँ पे मेजॉरिटी में आते हैं, और यहाँ पे you know, during their visit they try this food. That's what we have seen and we have heard. सो अभी इनके तरफ से 15% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो भी वाई नॉट यूजिंग Zomato Pro? Zomato Pro में 25% डिस्काउंट है। Oh, that's nice. And I think their limited जो parcel service है, that also starts from 2023 and 27 का थाली है, but it will be limited. बट यहाँ पे आके आप एक्सपीरियंस करोगे तो एक गुजराती गाने के साथ एंड यू नो द इंटीरियर गुजराती माहौल, गुजराती राजस्थानी माहौल वहाँ पे तो यू नो गरबा वाली जो फीलिंग है, क्योंकि गरबा का म्यूजिक चल रहा था, सो यू गेट दैट यू नो फीलिंग। स्पेशल डांस करने जाने वाली थी, पकड़ के रखा था वरना अभी जाती थी। मैं दया हूँ ना और मैं तारक मेहता वाला दया। एनीवेज ये रेस्टोरेंट का जो भी है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स पर डालता हूँ, लोकेशन जो भी प्राइस है सब डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। डू विजिट दिस रेस्टोरेंट एंड प्लीज लेट अस नो योर फीडबैक। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, अंटिल देन थैंक यू, शुक्रान, मा सलामा, बाय।